नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको शुक्राचार्य ने बताए हुए ऐसे पुरुषों के बारे में बताएंगे जिनकी पत्नियां उनसे विरक्त होकर अन्य पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करती है। ऐसे पुरुषों को चेतावनी देते हुए शुक्राचार्य ने नीति की रचना की है और उन्हें सावधान रहने के लिए कहा है। शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे, परंतु उनकी नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियां मानी जाती है, जिसका सम्मान देवता भी करते थे। शुक्राचार्य ने अपनी नीति में एक सेवक से लेकर राजा तक सभी के लिए नीतियों की रचना की है। मित्र और शत्रु की पहचान कैसे करनी चाहिए, किसी को धन देते समय अथवा किसी से धन लेते समय कौन सी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, धन की रक्षा कैसे करनी चाहिए और धन की वृद्धि के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ऐसे कई विषयों पर शुक्राचार्य ने महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। शुक्र नीति का अध्ययन कर एक साधारण मनुष्य भी सामर्थ्यशाली, धनवान और शत्रुओं पर विजय पाने वाला बन सकता है। अगर आपके भी जीवन में कठिनाइयां हैं अथवा कोई व्यक्ति जानबूझकर आपको दुख पहुंचाने के उद्देश्य से आपका अपमान करता है तथा कोई स्त्री आपका उपयोग कर आपका तिरस्कार करती है तथा अपने भी आपके साथ पराये व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं, तो आप शुक्र नीति को अवश्य पढ़ें। यह आपको ऐसी सभी विकट परिस्थितियों से लड़ना सिखा देंगी। आप स्वयं को इतना सक्षम बना लेंगे कि कोई स्त्री, शत्रु अथवा कोई दुष्ट पुरुष आपका कभी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा और आप जल्दी ही कामयाब हो जाएंगे। शुक्र नीति में खासतौर पर महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। स्त्रियों को सावधान करते हुए शुक्राचार्य ने उनसे पराये मर्दों से एवं पति के अलावा परिवार के ही अन्य पुरुषों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में बताया है। दुष्ट औरतों में यह दोष होते हैं कि वह अन्य पुरुषों के साथ अधिक सहवास करती है और पतन की ओर बढ़ने लगती है। स्त्री के पतन के विषय में हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज हम आपको शुक्राचार्य जी ने बताए हुए ऐसे पुरुषों के बारे में बताएंगे जो स्वयं की गलती से ही अपनी पतिव्रता स्त्री को खो देते हैं, जिस कारण उनकी पत्नी उससे विरक्त होकर अन्य मर्दों के साथ सहवास करने लगती है। यहाँ पर शुक्राचार्य ने स्त्रियों को दोष न देते हुए पुरुषों को ही अत्यंत मूर्ख और दोषी माना है। तो आइए जानते हैं ऐसे पुरुषों के बारे में जिनकी स्त्री उनसे विरक्त होकर पराये पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है अथवा पति का त्याग करती है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देख सके। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। शुक्राचार्य अपने श्लोक में कहते हैं, चंडम शंडम दंड शीम कामम सुप्रवासिनम सुदरिद्रम रोगिनम च हिन्न स्त्री निरतम सदा पति दृष्ट्वा विरक्ता स्यान नारी वानरुम समाश्रये त्यक्तान दुर्गुणान यमना तत्तो रक्षा स्त्रियो नरे। इस श्लोक में उन पुरुषों का वर्णन किया है, आइए जानते हैं। पहली बात, अत्यंत क्रोधी। शुक्राचार्य के अनुसार जो पुरुष अत्यंत क्रोधी है, पत्नी की छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध करता रहता है, ऐसे पुरुष से वह स्त्री अपने मन से प्रेम नहीं करती। ऐसी स्त्री को अगर कोई प्रेम करने वाला या उसकी चिंता करने वाला पुरुष मिलता है तो वह अपने पति से अधिक उसी से प्रेम करने लगती है। अतः पति को पत्नी पर अत्यंत क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, नपुंसक। जो पुरुष नपुंसक की तरह बर्ताव करता हो अथवा अपनी पत्नी की कामेच्छा को संतुष्ट करने में असमर्थ हो तो पत्नी ऐसे पति से विरक्त हो जाती है। स्त्री को सदैव अपना बनाकर रखने के लिए उसकी कामेच्छा को संतुष्ट करना आवश्यक होता है। पति को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरी बात, दंड देने वाला। जो पुरुष छोटी छोटी बातों पर पत्नी को दंड देता हो अथवा उसके साथ हिंसा करता हो तो ऐसे पति का स्त्री त्याग करना ही उचित समझती है। पति का यह कर्तव्य है कि वह सबके सामने पत्नी का अपमान ना करे और ना ही उसके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा करे। इससे दोनों में प्रेम कम हो सकता है और वह स्त्री अन्य पुरुष को प्रिय मान सकती है। चौथी बात, प्रेम से रहित। जो पुरुष प्रेम से रहित हो, जो पत्नी के साथ प्रेम से बातें नहीं करता, सदैव कठोर वचनों से उसे आदेश देता हो, ऐसे पुरुष से उसकी पत्नी प्रेम नहीं करती। पति को अपनी पत्नी के साथ प्रेम के साथ बातें करनी चाहिए। पांचवी बात, सदैव प्रवास में रहने वाला। जो पुरुष पत्नी से बचकर सदैव प्रवास करता है, ऐसे पुरुष की पत्नी भी उससे विरक्त होकर अन्य पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करती है, इसलिए पत्नी से अधिक समय तक दूर ना रहे। छठी बात, निर्धन। जो पुरुष धन कमाने में असमर्थ है और बैठे बिठाए ही धन पाने की कामना करता है, ऐसे पति का त्याग कर औरतें अन्य धनवान पुरुष के पास चली जाती है। अतः पुरुष को परिवार को सुखी रखने के लिए धन कमाते रहना चाहिए। सातवीं बात, वैश्यवृत्ति। जो पुरुष पत्नी के होते हुए भी गिरी हुई दुष्ट औरतों के साथ संबंध रखता है या उनके साथ काम क्रीड़ा करता है तो औरतें ऐसे पति से विरक्त होकर किसी पराये पुरुष में रस लेने लगती है और अंत में पति को नष्ट कर देती है।
इसलिए पुरुष को भूल से भी पराई स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। शुक्राचार्य के अनुसार इससे पहले कि पुरुष की स्त्री कोई गलत कदम उठाए, उसे अपने दोषों का निराकरण यत्नपूर्वक करना चाहिए और अपनी पत्नी की रक्षा के लिए उद्यत होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो 7 कारण जिससे स्त्री पति का त्याग कर सकती है। शुक्राचार्य की यह नीति कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।